वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत, ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाड़ी का स्टीयरिंग हार्ड होने का क्या रीजन है। तो मैं आपको एश्योर करता हूं, आज हम जो 10 पॉइंट लेके डिस्कस करेंगे, अगर कोई गाड़ी में स्टीयरिंग हार्ड हो रहे तो अगर ये 10 पॉइंट आप चेक करेंगे तो इसके बिना और कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते। ये मानकर चलिए अगर ये 10 पॉइंट आपने चेक कर लिए तो आपको स्टीयरिंग सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टीयरिंग सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम का फॉल्ट लेके बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में है, अगर आपको जानकारी जरूरत है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का शुरुआत में आपको बता दे, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, बस या ट्रक में जो स्टीयरिंग सिस्टम यूज होता है वो रहता है पावर असिस्टेड मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम। यानी अगर आपका पावर सिस्टम फेल हो गया तो गाड़ी को आप आगे लेके जा सकते हैं, जस्ट मैकेनिकल स्टीयरिंग को और इजी बनाने के लिए उसमें पावर सिस्टम जोड़ दिया गया है। तो मैं आपको ऐसा 10 पॉइंट बताऊंगा, इसके अलावा पावर स्टीयरिंग सिस्टम में और कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते। सो फर्स्ट दो पॉइंट रहेगा आपको नॉर्मली या टेम्पोररी प्रॉब्लम है। मान लो आपका स्टीयरिंग हार्ड हो रहा है यानी स्टीयरिंग जाम हो रहा है, तो उसमें नॉर्मल टेम्पोररी प्रॉब्लम दो होते हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका गाड़ी का जो लोडिंग है फ्रंट हेड लोड यानी फ्रंट एक्सेल के ऊपर ज्यादा आपने लोड डाल दिया तो आपको स्टीयरिंग हार्ड होगा, पर कुछ देर के लिए, यानी आपका जैसे लोड उतर जाएगा तो आपको स्टीयरिंग फ्री हो जाएगा। अगर फ्रंट एक्सेल के ऊपर लोड ज्यादा रहेगा, रियर एक्सेल के कम रहेगा, तो उस समय क्या होगा, आपको स्टीयरिंग हार्ड होगा। नंबर टू पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये होता है कि टायर इन्फ्लेशन, यानी नॉर्मल भाषा में आपको बोला जाए टायर में एयर कितना है, सफिशियंट एयर टायर में रहेगा तो आपको स्टीयरिंग सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा। अगर अंडर इन्फ्लेशन यानी टायर में हवा कम है तो उस कंडीशन में आपको स्टीयरिंग बिल्कुल जाम होगा, तो आपको कंप्लेन ये आएगा कि मेरा स्टीयरिंग जाम हो रहा है। अगर आपने टायर का प्रेशर चेक किया तो स्टीयरिंग सही हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया टेम्पररी प्रॉब्लम जो आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं चारों तरफ देख के। बट नेक्स्ट जो 8 पॉइंट्स आएगा, तो मैक्सिमम तर प्रॉब्लम आपको रहेगा आपको पावर सिस्टम पार्ट में यानी हाइड्रोलिक सिस्टम में, बाकी मैकेनिकल में एक दो प्रॉब्लम आते हैं नॉर्मली। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि पावर स्टीयरिंग रिजर्वर का ऑयल लेवल अगर कम रहेगा पावर स्टीयरिंग सिस्टम में तो आपको पावर स्टीयरिंग जो हार्ड होगा या पावर स्टीयरिंग सिस्टम में नॉइज होगा। सो स्टीयरिंग के काम करने के पहले आपको देख लेना है जो मेरे स्टीयरिंग ऑयल का लेवल जो है बिल्कुल सही है, और स्टीयरिंग ऑयल जो है वो उसका कैसा है, यानी स्टीयरिंग ऑयल नया है कि बहुत पुराना हो गया है, उसमें विस्कोसिटी कम हो गया या गाढ़ापन हो गया ऑयल, या कस्टमर जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो बार बार अलग अलग कंपनी का ऑयल यूज कर रहे हैं या प्रॉपर ग्रेड का ऑयल नहीं यूज कर रहे हैं, जैसे स्टीयरिंग में ATF ऑयल यूज करना चाहिए, ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन फ्लूइड, वो नहीं यूज कर रहे हैं, बाकी और कोई ऑयल यूज कर रहे हैं। सो उस कंडीशन में क्या है, आपको स्टीयरिंग नॉइज हो सकता है या कोई कोई कंडीशन में आपको स्टीयरिंग हार्ड हो सकता है। तो एक हो गया ऑयल लेवल, नेक्स्ट हो गया ऑयल, किस तरह का ऑयल स्टीयरिंग सिस्टम में यूज हो रहा है, दो पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको स्टीयरिंग ऑयल का फिल्टर है, स्टीयरिंग ऑयल का फिल्टर जस्ट निकल के देखना है स्टीयरिंग ऑयल का फिल्टर जो है वो सही है कि नहीं है, या फिल्टर जाम हो गया। अगर फिल्टर जाम होगा तो 100% आपको स्टीयरिंग जाम होगा। तो अगर फिल्टर बिल्कुल सही रहेगा तो स्टीयरिंग सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फोर्थ प्रॉब्लम यह है कि आपको स्टीयरिंग सिस्टम में कहीं से एयर एंट्री हो रहा है, एयर बबल्स एंट्री हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, स्टीयरिंग बिल्कुल नॉइजी होगा। जैसे आप स्टीयरिंग राइट हैंड या लेफ्ट हैंड घुमाएंगे तो स्टीयरिंग से सिस्टम से आवाज आने लगेगा, तो आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्टीयरिंग सिस्टम में जैसा रिजर्वर से पंप से स्टीयरिंग गियर बॉक्स से फिर आपको अप टू रिजर्वर तक जो 3-4 लाइन पाइप कनेक्शन है और उसका जो बेंजूस है वो आपको थोरोली चेक करना है कहीं पे हमारा लीकेज तो नहीं है। अगर सक्शन लाइन में लीकेज होगा तो जैसा पंप सक्स करेगा ऑयल को तो वहां से एयर जाएगा सिस्टम में, और एयर जाने से आपको स्टीयरिंग नॉइजी होगा या स्टीयरिंग हार्ड होगा। देन फोर्थ पॉइंट है, जैसा आप लीकेज चेक कर रहे हैं उसका साथ साथ भी जो स्टीयरिंग का पाइप लाइन है मैक्सिमम तरह आपको रहता है लोहे का रहता है, यानी मेटल पाइप लाइन है और थोड़ा सा रहता है रबर पाइप लाइन है, तो मेटल पाइप लाइन भी थोरोली चेक करना है। पाइप लाइन दब गया तो ऑयल सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन में आपको स्टीयरिंग हार्ड होगा। तो नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम यह आता है कि पावर स्टीयरिंग सिस्टम के जो वेन पंप है अगर खराब हो गया तो क्या होगा, सिस्टम में ऑयल प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या होगा, आपको पावर स्टीयरिंग हार्ड होगा। देन 6 नंबर पावर स्टीयरिंग सिस्टम में जो आता है आपको फ्रंट एक्सेल का किंग पिन, अगर फ्रंट एक्सेल का किंग पिन में ज्यादातर ग्रीस नहीं होता होगा या किंग पिन का जो बेयरिंग है बुश बेयरिंग वो जाम हो गया होगा, बहुत दिन से ग्रीसिंग नहीं किया
या बहुत दिन गाड़ी पड़ा था, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको पावर स्टीयरिंग हार्ड होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको पहले ग्रीसिंग करके किंग पिन को फ्री कर लेना है, और अगर किंग पिन फ्री नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में क्या, आपको किंग पिन का जो बुश है वो चेंज करना पड़ेगा, बुश का जो बेयरिंग्स है या उसका जो सीम्स है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैकेनिकल पार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्सल का जो किंग पिन यानी जो स्टार एक्सल है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और 7 नंबर जो प्रॉब्लम है वो है आपको पावर स्टीयरिंग गियरबॉक्स। पावर स्टीयरिंग गियरबॉक्स में आपको मैं बता दूं ज्यादातर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, यानी 100 में से मुश्किल से 4-5 गियरबॉक्स में ऐसा प्रॉब्लम आता है। ज्यादातर प्रॉब्लम कुछ नहीं, उसमें अंदर जो प्रोपेट वाल्व है जो स्टीयरिंग लिमिटेशन सेट होता है, कितना डिग्री स्टीयरिंग घूमना है उस घूमने के बाद आपको पावर रिलीज करने के लिए, तो वो प्रोपेट वाल्व का अगर सील वगैरह थोड़ा सा डैमेज हो गया या अंदर का जो वॉल्स है वॉल्स का सील डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको पावर सिस्टम जो अंदर हो रहा है वो काम नहीं करेगा, पावर रिलीज होकर ऑटोमेटिक आपको रिजर्वर में ऑयल आ जाएगा। तो मैक्सिमम 4-5 गाड़ी ऐसा होता है जिसमें पावर स्टीयरिंग गियरबॉक्स का प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज गियरबॉक्स में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। कि जिसमें ट्विन एक्सल स्टीयरिंग सिस्टम है, ट्विन एक्सल स्टीयरिंग सिस्टम में फ्रंट एक्सल के लिए अलग से गियरबॉक्स रहते हैं और गियरबॉक्स से आपको स्टीयरिंग कनेक्टेड रहते हैं और ड्रैग लिंक ड्रॉप आर्म के द्वारा आपको स्टीयरिंग फ्रंट एक्सल का सिस्टम काम करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड एक्सल के लिए यानी नेक्स्ट एक्सल के लिए जो स्टीयरिंग सिस्टम रहता है उसमें एडिशनल हाइड्रोलिक सिलेंडर रहते हैं। अगर मान लो एडिशनल हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर का सील किट खराब हो गया, मैक्सिमम तरह होता नहीं है, अगर कोई गाड़ी 10 साल या 12 साल हो गए तो अगर मान लो कोई कारण से हाइड्रोलिक का जो सील है वो डैमेज हो गया तो क्या करेगा, सामने वाला गियर बॉक्स को ऑयल प्रेशर देगा बट सेकेंड एक्सल का जो सिलेंडर है उसमें डिस्टर्ब है। पहले वाला गियर बॉक्स क्या करेगा, उसमें तो प्रेशर भेजेगा, दोनों सेम भेजेगा फर्स्ट एंड सेकेंड में, बट सेकेंड फेल होने के कारण फर्स्ट भी फेल होगा एंड सेकेंड दोनों में भी जाम होगा। तो मेन आपको मैकेनिकल और पावर ये दोनों मिला के 8 पॉइंट्स मैंने बताया, और 2 टेम्पो गाड़ी ये 10 पॉइंट छोड़ के स्टीयरिंग सिस्टम में और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मानकर चलो 10 पॉइंट आपने चेक कर लिया मतलब स्टीयरिंग सिस्टम बिल्कुल सही हो गया। तो आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिल गया होगा स्टीयरिंग सिस्टम जाम होने का या स्टीयरिंग हार्ट होने का क्या कारण है। अगर स्टीयरिंग सिस्टम लेके और भी जानकारी चाहिए ऑलरेडी हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो बना है, आप जाके जरूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बने रहे हमारे चैनल के साथ।